नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 50,787 की और लास्ट वीक में बैंक निफ्टी ने 1306 पॉइंट का गिरावट के साथ में क्लोज हुआ। और यहां पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो पिछली क्लोजिंग थी, बैंक पिछली क्लोजिंग वीकली चार्ट पे जो पिछली क्लोजिंग थी, उस क्लोजिंग के नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोज करना यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो बैंक निफ्टी के लिए एक मेजर जो सपोर्ट है, इसको मेजर सपोर्ट हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वीकली चार्ट पे कई बार इसने पहले यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, फिर वीकली चार्ट पे क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर ही क्लोज किया, जबकि वीक के अंदर में ये नीचे आया था। ये इलेक्शन वाला रिजल्ट की कैंडल है, तो यहां पे नजर बना के रखिए। फिर उसके बाद यहां पे इसने सपोर्ट लिया, अब उसी लेवल के पास वापस यहां पे बैंक निफ्टी आपको आता हुआ दिख रहा है। तो ये जो लेवल है ना, जो सपोर्ट का लेवल है बैंक निफ्टी में, वो है यहां पे 49,777 का। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए नेक्स्ट वीक में, जो ये वीक स्टार्ट होगा यहाँ पे नज़र होनी चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर ये जो गैप है ना, इसके लिए बैंक निफ्टी ओपन हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। लगभग ये 1200-1300 पॉइंट की गिरावट के लिए फिर से ये तैयार हो सकता है, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को भी ये ब्रेक करता है, दो सपोर्ट यहाँ पे, पहला तो सपोर्ट ये, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हमने करीब करीब तीन बार सपोर्ट लिया है। दूसरी चीज़ ये है कि वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो हम इस ट्रेंड लाइन को बहुत रिस्पेक्ट देख रहे हैं, अभी तक हम इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए आ रहे हैं, तो ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो दो सपोर्ट एक ही पास में, जब भी दो सपोर्ट एक में पास में होता है तो यहाँ पर नज़र बना के जरूर रखिएगा, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पर इस ये ऐसे जो सपोर्ट होते हैं ना, मेजरली जनरली टाइम क्या करते हैं, 10 में से 7 बार 8 बार की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 में से 9 बार यहाँ पर क्या करता है, मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, सपोर्ट का मतलब ये नहीं हो गया कि यहाँ पे आएगा तो कोई बायर खरीदना स्टार्ट करेगा। सपोर्ट का मतलब हो गया कि यहाँ पे रुक सकता है, और रुकने का मतलब क्या होता है कि जो गिरने वाली रफ्तार होगी वो पहले यहाँ पे धीरे होगी, यानी पहले वहाँ पे क्या होगी, थोड़ी सी धीमे होगी, और धीमे के बाद फिर नया मूवमेंट बनेगा, वो ऊपर की साइड का भी हो सकता है और नीचे की साइड का भी हो सकता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रुकना चाहिए मार्केट को। मार्केट क्या होगा, यहाँ पर रुकने के बाद कुछ मूव बनाएगा, तो उसके बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि ये सपोर्ट ले चुका है या सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, इसके नीचे क्लोज करेगा। मान लीजिए एक दिन इसके नीचे क्लोज करे और अगले दिन उसी के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, फर्स्ट आवर सेकंड आवर, मतलब एक घंटे दो घंटे उसी के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तो फिर क्या बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि हाँ, इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर ये नज़र बना के जरूर रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब हम वीकली चार्ट देखते हैं ना तो हमेशा क्लोजिंग देखते हैं, डेली चार्ट देखते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, हम क्लोजिंग देखते हैं कि इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। जब तक ये इसके नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक ये सपोर्ट का काम करता रहेगा। और सपोर्ट का मतलब मैं बार बार बोलता हूँ, सपोर्ट का मतलब ये कहीं नहीं होता कि वहां पे जाके आपको खरीद नहीं है। सपोर्ट का मतलब है कि यहां पे वॉच, आपकी नजर यहां पे हो जानी चाहिए कि यहां पे क्या मार्केट कंसोलिडेट करता है। यहां पे कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, हमेशा सपोर्ट के बाद ना कंसोलिडेशन, जैसे यहां पे इस सपोर्ट के पास इसने क्या किया, दो दिन यहां पे कंसोलिडेट किया है, दो वीक कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेशन के बाद इसने ऊपर की साइड का इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद यहां पर क्या हुआ, लगभग आपको 5000 पॉइंट की रैली दिखी। लेकिन वो कभी जब इसने क्या किया, यहां पर कंसोलिडेट किया, कई बार क्या होगा, ये आएगा और चला जाएगा, तो उस कंडीशन में आप जल्दी नहीं पकड़ पाओगे। उस कंडीशन में दो चीज होती है कि जो पिछली कैंडल, यानी पिछली जो बड़ी कैंडल बनी है, रेड कैंडल जो बड़ी है बनी हुई है, उसका क्या करें, उसकी 50% के ऊपर जाके क्लोज करें। इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में कब पॉजिटिव माना जाएगा, थोड़ा बहुत देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि यहां पर सपोर्ट ले चुका इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जब 50% के ऊपर जब ये सस्टेन करने लगेगा ना, तो थोड़े जो सेलर होंगे वो अपनी पोजिशन को क्या करने लगते हैं, कवर करने लगते हैं। कब, जो पिछली बड़ी कैंडल रेड बनी होगी वहां पर, इसके जब तक ये इसके ऊपर, यानी इस कैंडल के ऊपर जाके क्लोज नहीं करेगा, इस वीक में ये पॉजिटिव नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको पॉजिटिव होने के लिए या बायर का इंटरेस्ट आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज करना पड़ेगा। जब तक इस रेड कैंडल के नीचे ही क्लोज करता रहेगा तब तक ये सेलर की कंट्रोल में रहेगा, ये नजर बना के रखिएगा। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर जाएगा तो ये न्यूट्रल होगा, तो शायद वहां पर इंटरेस्ट होगा कि खरीदूं या ना खरीदूं, लेकिन जब तक इसके नीचे क्लोज करेगा इस कैंडल के, तब तक ये क्या करेगा, ये सेलर की कंट्रोल में रहेगा। और ये हमारे पास सपोर्ट है, यहाँ पे क्या हो सकता है, इस जगह पे क्या हो सकता है, थोड़े जो होप ट्रेडर होते हैं कि सपोर्ट लेगा मार्केट या यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे बायर सेलर दोनों लड़ने लगते हैं इस जगह के आसपास। जैसे यहाँ पे दोनों ने, मैं इसको हटा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे दोनों बायर सेलर दोनों क्या हो गए, दोनों यहाँ पे एक्टिव हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। जब भी इस मार्केट सपोर्ट के पास में पहुँचेगा तो वहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा, अगर इसके नीचे वीकली चार्ट पे क्लोज करता है तो फिर उसके पास नया जो सपोर्ट मिलेगा वो ये सपोर्ट रहेगा। बीच में कोई सपोर्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए नहीं है, तो अभी फिलहाल जो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट है वो है 49,777 का, और ऊपर जो रजिस्टेंस है वो रजिस्टेंस आपको मिलेगा
52,444 का, इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक ये न्यूट्रल नहीं होगा, तब तक ये सेलर की कंट्रोल में रहेगा, और इसके नीचे अगर क्लोज करेगा तो सेलर और एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ पे जो बच्चे कुचे लोग हैं वो और एक्टिव हो जाएंगे और फिर मार्केट को कहाँ पे लेके आ सकते हैं, वो फिर मार्केट यहाँ पे आएगा 48,555, तो यहाँ पे फिर उसकी नज़र होगी अगर इस ट्रेंड लाइन और ये जो सपोर्ट लाइन है, देखिए सपोर्ट लाइन भी है यहाँ पे और ट्रेंड लाइन भी है, दोनों चीज़ें हैं, अगर इसको दोनों को ब्रेक करेगा तो काफ़ी यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन स्क्वायर अप होगी और मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड का मूव कर सकता है, तो यहाँ पे नज़र बना के आपको जरूर रखना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यू मार्केट एक डेढ़ साल से ना क्या कर रहा है, इस चैनल के अंदर में ही ट्रेड कर रहा है, जब भी इस चैनल के आसपास आता है यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं, तो देखते हैं इस बार इस चैनल के पास यहाँ पे क्या बायर एक्टिव होता है या फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोज करता है। आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बार मार्केट क्या कर सकता है। देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कट बता दूं, ये किसी को नहीं मालूम है कि मार्केट कहाँ पे रुकेगा या कहाँ तक ऊपर जाएगा, ये किसी को पता नहीं रहता है, तो ये बस अपने देखिए अपनी क्या होता है, हमें अपनी जेब देखनी होती है कि आपकी जेब क्या अलाउड कर सकती है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप कितना लॉस ले सकते हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कीजिए, ये ध्यान रखिएगा। ये किसी को नहीं पता होता कि यहाँ रुकेगा कि यहाँ रुकेगा, जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा तो सब लोग बोलेंगे ऊपर जाता जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं दो चीज़ें जानता हूँ मार्केट में, कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो किसी भी रेजिस्टेंस मार्केट में देखना नहीं चाहिए और मार्केट जब नीचे आए तो सपोर्ट को ढूंढना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। खुद मार्केट खुद जब सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बनाने का मतलब क्या होता है, मार्केट अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी इस जगह के पास आके यहां पे एक वीक दो वीक इस जगह पे रुक जाए और उसके बाद इसके ऊपर निकलेगा, तब मैं ये मानूंगा कि मार्केट ने यहां पे बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहां पे सपोर्ट ले लिया है। तो मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट बनाएगा, हम यहां पे नहीं, हम पिछले को देख के ये एनालिसिस करते हैं कि हां हो सकता है कि इस जगह के पास में रुके, क्योंकि पिछले दो तीन बार हिस्ट्री में क्या है, इसने इस जगह के पास ये रुका है तो हो सकता है यहां पे रिवर्सल ले, लेकिन जब तक वो रिवर्सल आएगा नहीं, देखिए अब मैं समझाता हूँ, मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ से आ रहा था, जैसे पिछली बार हमने क्या देखा, ये रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, फिर इसने क्या किया, इसको क्रॉस किया लेकिन क्या किया, इसके नीचे आया लेकिन क्या किया, इसने सपोर्ट लिया और इसके ऊपर जाके क्लोज हुआ, फिर ये ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, तो यहाँ पे क्या किया, जब यहाँ पे नीचे आ रहा तो हमें ये पता है कि ये लेवल क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है, लेकिन ये कंफर्म कब होगा कि सपोर्ट ले लिया, जब ये क्या होगा, जैसे इसने दो वीक यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेट किया और उसके बाद ऊपर गया, तो हमें मालूम है कि अब हम क्या होगा, अब हम जो नया ट्रेड लेंगे उस ट्रेड में क्या करेंगे, ये हमारा जो होगा वो सपोर्ट होगा, कि जैसे मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा मैं इस पोजिशन से क्या करूँगा, स्क्वायर अप कर दूंगा। सपोर्ट का मतलब ये है कि हमने यहां पे ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद अब अगर वापस मान लीजिए ये फेल हो जाता है, ये फेल होता है थोड़ी देर मतलब एक आध दिन ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, तो मैं क्या करूंगा, इस लेवल के नीचे जब भी आएगा मैं अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा। तो सपोर्ट का मतलब ये होगा कि आपका रिस्क जो हो गया वो मैनेज हो गया, आपको पता है कि रिस्क मेरा इतना ही है, ये जो कैंडल है यही मेरा रिस्क है, इसके ऊपर क्लोज करने लगा तो ये हमारा रिस्क है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी गिरते हुए आ रहा है, ऊपर से कोई चीज गिर रही तो यहां पर आके आप पकड़ लो, इसको मार्केट को पकड़ने देने के लिए मार्केट को थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट को समझिए मार्केट करना क्या चाहता है। यहां पे मान लीजिए यहां पे एक वीक रुका, दो वीक रुका और रुकने के बाद में अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर क्या होगा, हमारा जो रिस्क होगा वो ये रिस्क हो जाएगा और रिवार्ड के लिए ऊपर कहीं भी जा सकता है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब ऊपर अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे ये सपोर्ट ले, अगर सपोर्ट नहीं लिया, फिर सपोर्ट नहीं लिया तो क्या करेगा, ये नीचे ब्रेकडाउन देगा और ब्रेकडाउन में फिर क्या करेगा, फिर लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि शायद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले। अभी ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ये सपोर्ट लेगा ही लेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए हमेशा, सपोर्ट हम तभी मानेंगे जब ये यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर की साइड में निकलेगा तो सपोर्ट है, और फुल ये हम कब मानेंगे कि रिवर्सल हो चुका है, रिवर्सल हम तब मानते हैं जब ये सपोर्ट लेने के बाद अपने पिछले दो रेजिस्टेंस को क्रॉस करे, ध्यान रखिए, या फिर इस कंडीशन में क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन हम एक ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे रुके और क्या करें, अपने दो रेजिस्टेंस को क्रॉस करें, जब कि ये ऊपर सेकंड मतलब फर्स्ट को छोड़ दीजिए, सेकंड रेजिस्टेंस को जब क्रॉस करेगा ना तब यहां पे थोड़े से क्या होते हैं, बायर एक्टिव होंगे, तो बायर एक्टिव यहां पे कब होंगे, 52,444 के ऊपर, और सेलर कब एक्टिव होंगे, नए सेलर कब एक्टिव होंगे, जब ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए और ध्यान रखिएगा इस ट्रेंड लाइन का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम वेट करेंगे। अब ध्यान रखिए दो चीज़ और ध्यान रखिए, जब मार्केट में सब लोग बेचो बेचो करना स्टार्ट करते हैं ना तभी मार्केट कहीं ना कहीं जाके सपोर्ट ढूंढेगा, और ध्यान रखिएगा जब भी मार्केट को सपोर्ट ढूंढना होगा पहले वो वोलेटाइल होगा, यानी बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे इंटरडे में करेगा और उसके बाद वो सपोर्ट ढूंढना स्टार्ट करता है, वैसे क्या करेगा, तीन दिन चार दिन ऐसे करेगा, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, बहुत तेजी से नीचे आएगा और फिर जाके कहीं पे सपोर्ट ढूंढेगा, तो यहां पे आप नजर बना के जरूर रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।